नमस्कार दोस्तों वेलकम इन आरपीएससी ओनली यूट्यूब चैनल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट पॉपुलर जो किताब है हिस्ट्री की भारतीय इतिहास वस्तुनिष्ठ जो पप्पू सिंह प्रजापत अरविंद भास्कर और कुलदीप फैनन की आती है दोस्तों सबसे पहले बात करें इसके कवर की तो इसका कवर बहुत ही शानदार है और ये भी जो आप किताब देख सकते हैं काफ़ी मोटी किताब दिख रही है और इसमें आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे व्याख्या सहित प्रश्न दिए गए हैं और आपके जो हिस्ट्री फर्स्ट गेड का पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कवर किया गया है इस किताब के क्वेश्चन में आपको कुछ बताना चाहूँगा टॉपिक वाइज जैसे आप देख लीजिए जैसे पहला प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत दिए गए हैं तो यहाँ क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे उनकी काफ़ी अच्छी व्याख्या दी गई है और क्वेश्चन का जो लेवल है वो भी जो भी एग्जाम कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनके हिसाब से ही हैं ये जो किताब है ना केवल आपकी फ़र्स्ट एड के लिए उपयोगी रहेगी बाकी आगे आप हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी एग्जाम फाइट करते हैं सबके लिए अच्छे रहेंगे और इसमें किताब का सोर्स भी जो है कई कई जगह दिया गया है कि ये किस किताब से लिया गया है ऑब्वियस है कि भपू सिंह प्रजापत ने लिखी है तो उनकी किताबों का ही इसमें यूज किया गया होगा तो ये किताब काफ़ी अच्छी है थोड़ी लेंथी ज़रूर लगती है लेकिन क्वेश्चन को देखते हुए ये लेंथ आपको चुभेगी नहीं एक तरीके से ये किताब आपके प्रैक्टिस का भी काम करेगी और एज ए गाइड का भी काम करेगी इंडियन हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी किताब है हालांकि आपके पास इस किताब की जो सबसे बड़ी कमी किताब की कमी नहीं कह सकते टाइमिंग की कमी कह सकते हैं इसको थोड़ा तो तो लेट लॉन्च किया गया जिसके कारण ये जो स्टूडेंट हैं स्टूडेंट के लिए किताब थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है इस किताब की बात करें दोस्तों तो इस किताब की जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा हाई है ठीक है बाकी लेकिन वही प्राइस डिजर्व करती है और इसके जो राइटर आप सभी जानते हैं किसी परिचय का मोहताज नहीं है पप्पू सिंह प्रजापत अरविंद भास्कर दोनों वेल नॉवल राइटर हैं इस किताब को आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं फ्लिपकार्ट से अमेजन से और भी जय विजय बुक स्टोर से खरीद सकते हैं रास्ते बुक स्टोर से खरीद सकते हैं कई चीज़ों से आप इस चीज़ों किताब को ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं तो इस रिव्यू में इतना ही इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत आभार